करते हैं निर्देशक जब उनसे गदर के सीक्वल के बारे में पूछा जाता है और किसकी जोड़ी जमेगी इस बार गदर 2 में। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आपने तो जरूर देखी होगी। जी हाँ, 15 जून को इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 20 साल हो गए हैं और ये फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था, जिस वजह से इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। इस फिल्म के निर्माता जी स्टूडियो थे, वहीं इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। इस फिल्म में हमें सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी साथ में नजर आई थी, जो दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी थी। आपको बता दें कि अमीषा पटेल ने दर्शकों के प्रति अपनी दीवानगी का एक अलग दौर देखा है, जो बेहद खास था। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि गदर के साथ बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों का अपना एक अलग जलवा था। जहां ये दोनों ही फिल्में कई हफ्तों तक सिनेमाघरों की शान बनी रही, वहीं दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित भी हुई और भारतीय सिनेमा में क्लच क्लासिक बन गए। आज फिल्म की रिलीज के 20 साल गुजरने के बाद इस फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने इस पर कुछ बातें कही हैं। वो कहते हैं, मैं आज बिना किसी बदलाव के फिल्म बना सकता हूं और ये एक बड़ी सफलता होगी। ये एक रियल सिनेमा था, क्योंकि हमने इस फिल्म में भी रामायण के अंश को रखा था। जब राम भगवान सीता को लेने लंका जाते हैं, हमने भी अपनी फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखाया जो बहुत ही मिलता जुलता सा था, जिस वजह से आज भी हम इस कहानी को पूरी तरह से अपने दिल में बसा कर बैठे हुए हैं। कई बार लोग निर्देशक से इस सवाल के सीक्वल के बारे में सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब उन्होंने अब दे ही दिया है। वो कहते हैं कि जिस दिन मैं सही प्लॉट को क्रैक कर लूंगा, जो नाटक और यथार्थवाद के संयोजन की पेशकश करेगा, मैं सीक्वल पर काम करना शुरू कर दूंगा। मेरा बेटा उत्कर्ष, जिसने फिल्म में सनी के बेटे जीते का भूमिका निभाई थी, वो बड़ा हो गया है, इसलिए दूसरी किश्त की गुंजाइश है। अब अनिल ने जब खुद ही कह दिया है कि वो इस फिल्म के लिए तैयार है, तो ये फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट होने वाली है। अनिल की बातों को सुनकर लगता है इस फिल्म से अनिल के बेटे उत्कर्ष बॉलीवुड में अपना दमदार डेब्यू प्लान कर रहे हैं, तो देखना होगा कि इस फिल्म की घोषणा अब कब होती है। फिल्म गदर का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन तो आपको याद ही होगा, है ना, जिसे देख दर्शक सिनेमाघरों में सीटी और तालियां बजाने को मजबूर हो गए थे। कुछ ऐसा ही जलवा दोबारा कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसका खुलासा अब इस पर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि गदर के मेकर्स इस समय बनाने वाली फिल्म सीक्वल को दिमाग में रखकर प्लॉट और स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अक्सर फिल्म के सीक्वल बनाए जाने पर लीड जोड़ी बदल दी जाती है, लेकिन गदर के पार्ट 2 में लीड रोल में सनी देओल और अमीषा पटेल ही रहेंगे। हालांकि अभी तक इस आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेकर्स अभी यही प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा मूवी से जुड़े दूसरे कलाकारों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि गदर वाला मजा दे पाएगी ये नई जोड़ी फिर से गदर 2 में? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित।